झरिया निवासी ने गोविंदपुर के अंचल अधिकारी राम वर्मा एवं भूमापिया एमपी सिंह पर 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कोरीबांध टीना गोदाम निवासी उषा देवी एवं उनके पति दीपक कुमार साव ने प्रेस वार्ता कर गोविंदपुर के अंचल अधिकारी राम वर्मा एवं भूमापिया एमपी सिंह पर अपने पिता स्वर्गीय काली साव का 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसके लिए पीड़ित उषा देवी ने दिनांक 20/4/2023 को न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उषा देवी ने अपने बयान में कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय काली साव ने 3/7/1970 को 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन हरि सिंह से खरीदा था, जबकि वर्ष 2021 तक खतियान एवं पंजी संख्या 2 में मेरे पिता का नाम दर्ज था। उपरोक्त जमीन का उत्तराधिकारी हम 4 बहनें हैं, कांति देवी, मालती देवी, आशा देवी, उषा देवी, जिनमें 2 हिस्सेदार आशा देवी एवं स्वर्गीय मालती देवी के पुत्र सोनू कुमार साव द्वारा 17/3/2021 को गोविंदपुर अंचल से सुजीत कुमार सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी कर बिक्री कर दिया गया, जो बचे जमीन को हम लोगों को दबाव दिया जाने लगा और कहा तुम लोग अपना जमीन दे दो, परंतु हम लोग इनकार कर दिए और जब इनकार किए तो पूरा बुरा परिणाम का धमकी देने लगे। तब हम लोगों को शक हुआ कि ये लोग भूमाफिया एवं दबंग लोग थे। गोविंदपुर अंचल अपना मालगुजारी रसीद जो कि 2015 तक कटा हुआ था उसे अपडेट करने का प्रयास करने लगे, तो अंचल कार्यालय के कर्मी द्वारा हम लोगों के साथ टालमटोल किया जाने लगा। हमें शक हुआ कि भूमाफिया के इशारे पर अंचल अधिकारी राम वर्मा एवं अंचल के कर्मचारी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत हमने जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारी को दी। पुनः हम रसीद कटाने हेतु प्रयास करने लगे तो अंचल अधिकारी द्वारा 5 लाख रुपया घूस का मांग किया गया। हम लोग नहीं तैयार हुए तो भूमाफिया एमपी सिंह से मिलकर वर्ष 1984 के फर्जी डीड के आधार पर पंजी 2 में एमपी सिंह शक्तिनगर गृह निर्माण समिति लिमिटेड धनबाद के नाम पंजी 2 में चढ़ा दिया गया। मेरा ससुर जी का जमीन था भिलाताड़ा में धनबाद में, 1970 में खरीद किए थे। एक फर्जी वाला आदमी एमपी सिंह गोविंदपुर अंचल के रामजी वर्मा सीओ साहब से मिली भगत से मेरा पिताजी का पंजी 2 से नाम हटा दिया गया है। ऑलरेडी 2021 तक मेरे पिताजी के पंजी 2 में जमीन दर्ज था। एमपी सिंह एक फर्जी डीड दिखाकर हमसे जमीन मांगने के बहुत तरह दबाव किया। हम जब जमीन नहीं बेचे तो सीओ से मिली भगत से किसी तरह भी मेरे पिताजी की जमीन को पंजी 2 से नाम हटा दिया गया। इसीलिए हम लोग चारों तरफ लिख पढ़ के दिए, कहीं पर भी कोई कानूनी कार्रवाई हम लोग को नहीं हुआ। इसीलिए हम अपना वाइफ से कोर्ट में सीपी केस करवाए सीओ के प्रति और एमपी सिंह के मामले में। 1 एकड़ 60 डिसमिल 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन है, जिसमें से मेरे ससुर का 4 बेटी है। 4 बेटी में से 2 बेटी जमीन 2021 में अपना अपना हिस्सा का जमीन पावर दे दिया बिना बंटानामा के। आधा जब जमीन हम लोग को बचा तो हम लोग दौड़धूप उसमें किए, रसीद कटाने ऑलरेडी मेरा 2015 तक का रसीद भी कटा हुआ है उस जमीन में। उसके बाद भी सीओ साहब कैसे मिली भगत से एमपी सिंह से मेरा बाबूजी का नाम हटा के उसका नाम पंजी 2 में दर्ज कर दिया और ज़मीन आज तक अभी तक भी मेरे कैप्चर में है, मेरा कब्जा में है। हम जमीन में आना जाना करते हैं। मेरा ससुर जी के द्वारा 150-200 शीशम सागवान का वहाँ पेड़ लगाया गया है आज भी, और चोरी चुपे रात भी रात के वहाँ पेड़ काटा जा रहा है। जो हम वन विभाग से लेके हर एक पत्रकारी को हमने सूचना दिया लिखित के अनुसार से, लेकिन मेरा सूचना का कोई जवाब मेरे पक्ष में नहीं हुआ। इसीलिए हम अदालत में जाके कोर्ट में केस अपनी वाइफ से करवाए। पंजी 2 से नाम हट गया करीब 1 साल पहले। हम 1 साल 1.5 साल से दौड़धूप कर रहे, जिसमें सीओ हमसे 5 लाख रुपया का डिमांड किया। हम जब पैसा सीओ को नहीं दिए तो हमारा केस भी ठीक नहीं किया और अभी तक बलगलाते चला गया। कभी बच्चा बीमार है, कभी बेटा बीमार है, कभी बीमार है अंचल में। कई बार इसका शिकायत पहले भी हो चुका है। हम जब परेशान हो गए, परेशान होने के बाद हम कोर्ट का दरवाजा ठटकाए। अब हमको कोर्ट से इंसाफ जो मिलेगा हमको मंजूर है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम वही ज़मीन में पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी है। हम जाए तो जाए कहाँ जाए, वही ज़मीन के भरोसे में हम लोग जी रहे थे। मेरा नाम दीपक कुमार साह, वार्ड नंबर 44, कोरीबंजरी में रहते हैं।